फाइनली दोस्तों पोकेमोन ऐड के अंदर डेस्टिनी को कंफर्म कर दिया गया है, यानी कि आप लोग जल्दी इसको देख पाएंगे अपने गेम के अंदर। तो है एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो अपकमिंग पोकेमोन हमारे गेम में आने वाला है उसके बारे में। तो मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ग्रीडेंट, थिबोल एंड डेस्टिनी के बारे में। तो हमें ग्रीडेंट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है एंड जो थिबोल है वो वाइल्ड पोकेमोन के रूप में देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद। एंड अभी जो अपडेट है वो है डेस्टिनी के बारे में, यानी कि इन्होंने जो पोकेमोन की कंपनी उन लोगों ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाल दिया है एक इमेज जिसमें हमें एरो देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी पोकेमोन से रिलेटेड जानते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो एरो वगैरह फेंकने का रहता है वो डेस्टिनी की पावर रहती है। यानी कि आप लोगों ने इससे पहले इसको देखा होगा कि जो पोकेमोन का जो सन एंड मून गेम आया था उसमें हमें डेस्टिनी देखने को मिला था सबसे पहले। एंड इसके बाद अगर आप लोगों को और जानना है तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हो क्योंकि ये अपकमिंग जो गेम आने वाला है पोकेमोन का आर्क्यूस एंड लीजेंड में भी देखने को मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल में तो पोकेमोन ऐड के अंदर इसको हमें ऑफिशियली देखने को मिलने ही वाला है। अब ये कह नहीं सकते, वैसे जहाँ तक जो र्यूमर है वो बता रहे हैं कि हमें रोस्टर या फिर अटैकर के रूप में देखने को मिलने वाला है। तो इसकी जो मूव सेट या जो स्पेशल पावर या हेल्ड आइटम रहेंगे वो यार मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बनाकर दूंगा क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ ऑफिशियली इन लोगों ने नहीं बताया है। बस इतना पता है कि कन्फर्म हो चुका है तो 10 नवंबर या 11 नवंबर को मैं देखने को मिलेगा। एंड यार इससे रिलेटेड वीडियो कल मैं डाल दूंगा जिसमें मैं आपको मूव सेट वगैरह भी बता सकता हूं। तो आप लोगों को अगर एक वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड यार चैनल से जुड़े रहना क्योंकि यार वीडियो थोड़ा लेट हो सकते हैं लेकिन यार मैं वीडियो डालता ज़रूर हूँ। तो वीडियो देखने के लिए यार आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब मत किया करो यार, करें रहा करो सब्सक्राइब। देन आप लोगों को मैं एक और अपडेट के साथ बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ क्योंकि पोकेमोन ऐड के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट आने वाले हैं। एंड आप लोगों ने अगर बैटल पास को अपडेट नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हॉलो वियर देखने को मिलने वाले। एंड यार बहुत सारे आइटम जो हमें पता नहीं है वो पता भी चलेंगे क्योंकि आप लोग जब तक अपडेट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।